वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन के अंदर गुरदासपुर बोरर यानी बाइसिटिया स्टैनिलास्ट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम और अलग टाइप के इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, शुगर केन पेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लीफ होपर के बारे में, व्हाइट फ्लाई, टॉप बोरर एंड रूट बोरर। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं बाइसिटिया के बारे में, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन के अंदर इसका किंगडम एनिमिलिया होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास इंसेक्टा और इसका लेपिडोप्टेरा फैमिली इसकी पायरेटिडे होगी। इसके अलावा इसका जीनस बाइसिटिया होगा एंड स्पीसीज इसकी स्टैनिलास्ट होगी। तो ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, क्या प्लांट्स होंगे एंड क्या इसकी जनरल अपीयरेंस होगी। तो इसमें अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेनली प्रेजेंट होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी के अंदर। फूड प्लांट्स मेनली इसका ओनली होस्ट होता है शुगर केन। ठीक है, ओनली होस्ट होता है इसका, सिर्फ शुगर केन ही होता है, शुगर केन को ही डैमेज करता है। जनरल अपीयरेंस ये एक मोथ होती है जो कि 25 to 45 mm इन लेंथ होती है एंड ग्रेस ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ग्रेस ब्राउन कलर की होती है। इट हैज अ नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स ऑन आउटर लाइन ऑफ द फोर विंग्स। फोर विंग्स जो इसके है, फोर विंग्स की जो आउटर लाइनिंग है, इस आउटर लाइनिंग के ऊपर इसके पास कुछ डार्क स्पॉट्स पाए जाते हैं। हाइंड विंग्स आर ग्रेस व्हाइट एंड हाइंड विंग जो होते हैं इसके ग्रेस व्हाइट होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सिंपल सा ये एक जो है इसका एक जनरल अपीयरेंस होती है। ये मोथ होती है 25 to 45 mm इन लेंथ होती है, ग्रेस ब्राउन कलर की होती है, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स होते हैं। फोर विंग्स की जो यहाँ पे इसके पास फोर विंग्स के अंदर जो आउटर लाइनिंग है वहां पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं। इसके अलावा हाइंड विंग्स जो है ग्रेस व्हाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट इसके हैबिट्स क्या होंगी। अडल्ट जो है नॉक्टर्नल इंसेक्ट होगा, नाइट के टाइम पे एक्टिव होगा, नाइट एक्टिविटी शो करेगा एंड लिव्स फॉर 4 to 5 days ओनली। ठीक है, सिर्फ 4 to 5 दिन तक ये ही जिंदा रहता है। द कैटरपिलर बोर्स इनटू यंग शूट एंड फॉर्म टनल्स इन द स्टेम्स। स्टेम्स के अंदर ये बोर करेगा, टनल्स वहां पे बना देगा एंड कैटरपिलर जो है मेनली यंग शूट्स के ऊपर इसके अंदर बोर करता है, यानी कि कैटरपिलर ही यहाँ पे मेन जो एक डैमेज है वो कॉज करेगा। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें 35 to 40 days की इसकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, 35 to 40 days के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ये एग्स होते हैं, फिर कैटरपिलर होता है, तो इसके इसके अंदर इसको 35 to 40 days लग जाते हैं जनरल अपीयरेंस के अंदर। या फिर इससे पहले हमने जो बात की थी वो अडल्ट की हम बात कर रहे थे। तो लाइफ साइकिल के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज आती है इसकी एग्स। एग्स ले किए जाते हैं फीमेल मोथ इन मिड रिब ऑफ द शुगर केन लीव्स इन क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर, ठीक है, क्लस्टर्स के अंदर ये क्या किए जाते हैं, एग ले किए जाते हैं एंड जो मिड रिब होती है शुगर केन लीफ की जो मिड रिब होती है उसके पास ये एग ले किए जाते हैं। टोटल एग्स लेड आर 150 to 300 एग्स हो सकते हैं एक क्लस्टर के अंदर। नेक्स्ट स्टेज आएगी इसकी कैटरपिलर। एग्स के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कैटरपिलर। एग्स जो है 6 to 9 days का इंक्यूबेशन के बाद कैटरपिलर उनमें से निकलता है। तो एग एज आउट इन द कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स के अंदर ही हेच आउट हो जाते हैं। कैटरपिलर्स जो है स्टैम के अंदर एंटर करते हैं एंड फीड वोरासिसली एंड फॉर्म जिगजैग टनल्स। ठीक है, वोरासियली ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, यानी कि एक तरह से बिल्कुल भूखड़ टाइप होते हैं उनके ऊपर, ये स्टैम्स के ऊपर बिल्कुल हमला कर देते हैं, उनको ये खाने लग जाते हैं एंड ये जिगजैग टनल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जिगजैग टनल्स ये फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं स्टैम्स के अंदर। आफ्टर फ्यू डेज कैटरपिलर्स अटैक अ न्यू स्टैम। इसको एक को खाकर ये फिर नई स्टैम के ऊपर अटैक करते हैं, फिर ऐसे ही ये अलग अलग प्लांट्स को भी डैमेज कर देते हैं एंड इन 20 to 27 days ऑफ कैटरपिलर्स ग्रो फुली आफ्टर अंडरगोइंग 5 मोर्स।
एंड इसके अंदर 5 मोल्ड्स भी आएंगे, ठीक है, तब जाके क्या होता है कैटरपिलर फुली ग्रो होता है। ये लार्वा का लेटरल व्यू है एंड ये जो है ये लार्वा का डोर्सल व्यू है। ऊपर से अगर हम देखें एंड लेटरल यानी साइड से अगर हम देखें, ऐसे टाइप के व्यूज के नजर आते हैं कैटरपिलर के। तो कैटरपिलर जो है एग से हैच आउट होता है 6 से 9 दिन के अंदर। इसके बाद ये स्टैम के ऊपर फीड करता है वोरासिसली, और इसके अलावा जिगजैग टनल्स बनाता है एंड फिर अलग स्टैम्स के ऊपर, नई स्टैम्स के ऊपर भी ये उनको उनके ऊपर अटैक करता है एंड फिर ये 5 मोल्टिंग्स के बाद 27 डेज के अंदर एक फुली ग्रोन कैटरपिलर के अंदर बदल जाता है, उसके अंदर ये ग्रो हो जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है प्यूपा। प्यूपा जो है कैटरपिलर प्यूपेट होते हैं इनसाइड द स्टैम के अंदर, ये स्टैम के अंदर ही प्यूपेट होते हैं। ये कैटरपिलर से प्यूपा या फिर प्यूपा से अडल्ट स्टेज आएगी। अडल्ट जो होता है इसके अंदर इंसेक्ट इमर्ज आउट आफ्टर प्यूपेशन ऑफ 7 to 12 डेज, ठीक है, 7 से 12 दिन के बाद प्यूपा से ये अडल्ट बनता है 7 से 12 डेज के अंदर। 2 and 3 generations are observed in 1 year. एक साल के अंदर 2 से 3 generation ये शो करता है। तो ये लाइफ साइकिल हो गई यहाँ पे गुरदासपुर बोरर की। इसके बाद ये क्या डैमेज कोज करता है, तो मेन डैमेज जो है इसका कैटरपिलर्स के थ्रू कोज किया जाता है, ठीक है, मेन डैमेज कैटरपिलर्स इसके अंदर कोज करेंगे। इट फीड्स ग्रीगेशनली ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द स्टैम एंड आफ्टर फॉर्मिंग टनल्स डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली, ठीक है, ये क्या करते हैं जो टॉप पार्ट होता है स्टैम का उसके ऊपर ईट करेंगे, फिर उसके अंदर टनल्स बना देंगे, उसके अंदर बोर कर देंगे एंड उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। Normally 25% of crop are damaged, ठीक है, 25% जो crop का है पूरे crop का वो क्या हो सकता है यहाँ पे destroy हो सकता है। इसके अलावा if infestation is heavy the loss can rise up to 60%. वैसे तो हमने बोल दिया कि 25% तक क्या करता है डैमेज कोज करता है फील्ड के अंदर, लेकिन अगर ज्यादा infestation हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी यहाँ पे ये बोरर इंसेक्ट हो जाते हैं तो ये अप टू 60% तक भी उस फसल को, उस उन शुगर केन्स को डैमेज कर सकते हैं, उनको हार्म कर सकते हैं। इसके बाद इसका कुछ कंट्रोल भी होता है, तो कंट्रोल के अंदर सबसे फर्स्ट ये जो रेटोनिंग क्रॉप्स होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। अफेक्टेड शुगर केन्स जो है उनको रिमूव एंड डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि वो दूसरे प्लांट्स को हार्म ना करें, दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट ना करें। Remove and destroy all stumps from the vacated fields. And जो fields खाली हैं उनमें से भी सारे के सारे जो भी stumps हैं, old stumps हैं, उनको remove कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ pesticide जैसे कि 0.1% and rain injection is affected can kill caterpillar. ठीक है, 21% and rain injection जो है affected stem को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि जो कैटरपिलर है वो क्या हो जाए, वहां से किल हो जाए। तो ये मेजर्स हैं, इसके स्ट्रोक मेजर्स हैं जिनके थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने शुगर केन के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, हमने सारे इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि हमने लीफ ओपर, वाइट फ्लाई, टॉप बोरर, रूट बोरर एंड गुरदासपुर बोरर के बारे में आज वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये मेन शुगर केन के पेस्ट है। इसके अलावा भी कुछ और अदर पेस्ट होते हैं शुगर केन के, जैसे कि यहाँ पे होता है शुगर केन शूट बोरर होता है, ब्लैक बग होता है, शुगर केन माइट्स होते हैं, शुगर केन टर्माइट्स होते हैं। तो ये कुछ और टाइप के अदर पेस्ट हैं, मेन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके सिलेबस के अंदर इनमें से भी कोई और पेस्ट है जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी डिटेल में यहाँ पे वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। तो यहाँ तक हमने शुगर केन के पेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम कॉटन एंड पैडी के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड स्टोर्ड ग्रेन के पेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।